गाइस, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉसम कॉचर अरोमा मैजिक का पर्ल फेशियल किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर द सिंगल टाइम यूज़ एंड ये सलून रेंज है। इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि ये आपके जो एक्ने है उसे ट्रीट करेगा, रिलीव करेगा, स्किन डिटॉक्सिफाई करेगा, अगर ब्लेमिशेस है स्किन पे तो उसे फेड करेगा, रिमूव नहीं करेगा। और दिस इज़ गुड फॉर द ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 230 रुपीज़ की है। नाइका वगैरह से अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो डिस्काउंट मिल जाएगी। शेल्फ लाइफ इसकी जो है 2 ईयर्स है एंड इसके स्टेप्स जो है टोटल स्टेप्स इसके 7 हैं। तो जनरली फेशियल किट्स क्या होते हैं वो 4 स्टेप्स में होते हैं, लेकिन 4 या 5 स्टेप्स होते हैं और इसमें जो है इन्होंने 7 स्टेप दिया है तो कुछ स्पेशल हो सकता है। साथ ही सीरम है और साथ ही इन्होंने एक छोटा सा गाइड बुक दिया है जिसमें आपको स्टेप्स बताया गया है कि किस तरह से इसे करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ क्लींज़र। और क्लींज़र क्या करता है, आपकी स्किन पर अगर कोई भी डर्ट है, मेकअप लगा हुआ है तो उसे रिमूव करता है। और क्लींजिंग के बाद ही आपके स्किन पे कोई भी फेशियल किट जो है अपना अच्छा सा रिजल्ट दे पाता है। तो इनका क्लींजर जो है ये जेल बेस्ड है और कोई भी क्लींज़र आप यूज़ करते हो ना गाइस, तो उसमें थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर मिक्स कर दोगे तो वो अच्छे से अपना काम कर पाता है। तो इनका जो क्लींज़र है ये फोम बेस्ड है और किसी भी ऑयली स्किन के लिए फोम बेस्ड क्लींज़र जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि ये स्किन को डीपली क्लींस करता है और स्किन के एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो क्लींज़र इनका बड़ा ही माइल्ड था और जेल बेस्ड था। ज़्यादातर चीज़ें इनकी जो है जेल बेस्ड है क्योंकि ये स्पेशली ऑयली एक्ने वाली स्किन के लिए है। तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखें, क्लींस करने के बाद मैंने अच्छे से जो है गीले टॉवल से इसे वाइप कर दिया है। और जब मैं इसे पानी से वॉश कर रही थी ना फेस पे जब लगाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा झाग हुआ था इसका, बहुत ज़्यादा जो है फोम बेस्ड है ये, तो बहुत अच्छा क्लींज़र था और सिर्फ क्लींज़र का ही रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा था। तो सेकेंड स्टेप जो है वो हम लोग देखते हैं, वो है सीरम। और सीरम की इन्होंने इस तरह से पैकेजिंग की है, एक छोटे से ग्लास के बॉटल में है ये। तो इसे इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है और साथ ही इसका हेड बना हुआ है जहाँ से इसे ब्रेक करना है। बट मुझे इसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जब मैं इसे ब्रेक कर रही थी बॉटल को तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ इसे ब्रेक करना। हालांकि मैं इससे पहले लोटस प्रोफेशनल का फेशियल किट यूज़ की थी और उसमें भी उन्होंने इसी तरह का सीरम दिया था, बट उनका जो बॉटल था ना उसका हेड के पास से वो बहुत ईजली ब्रेक हो गया था, बहुत हाइजीन था। और इसे ब्रेक करने में मुझे इतना डिफ़िकल्ट हुआ कि ये बॉटल प्रॉपरली ब्रेक भी नहीं हुई। और चूँकि हमने सीरम जो है फेस पे लगाना है तो अगर इसके ज़रा से भी ग्लास पार्टिकल्स रह जाते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाले हैं। तो मुझे ये इनकी पैकेजिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। सीरम देखते हैं कैसा रहता है। तो ब्रेक करते करते इस तरह से ये हो गया था और सीरम भी थोड़ा सा गिर गया है इसमें। तो अभी देखें यहाँ पे जो है छोटा सा आपको पार्टिकल्स भी नज़र आ रहा होगा ग्लास का, तो बहुत केयरफुली आपने इसे यूज़ करना है। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सीरम ठीक ठाक है क्योंकि सीरम को जब मैंने स्किन पे लगाया तो ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो गया। और जो ऑयली स्किन के लिए है ना इस तरह का सीरम बहुत अच्छा होता है, जो स्किन को बिल्कुल भी ऑयल सा जो है ना फील नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा मैट सा इसने जो है रिज़ल्ट दिया, पेंट्रेट हो गया बहुत जल्दी स्किन पे। थर्ड स्टेप जो है इसका वो है एक्सफॉइल जेल। आप फेशियल करते हो तो क्लींज़र के बाद सेकंड स्टेप जो आता है उसमें हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, तो वही है ये। लेकिन ऑयली स्किन वाले जो होते हैं जिनकी एक्ने या पिंपल है उनको स्क्रब नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्क्रब के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पिंपल को बहुत ज़्यादा हार्श कर देते हैं, हार्श होते हैं पिंपल पर और पिंपल्स को बहुत ज़्यादा इरीटेट और डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इनका जो एक्सफॉइल जेल है वो इतना ज़्यादा जेंटल था, इतना माइल्ड था कि बिल्कुल भी आपके पिंपल और एक्ने को बिल्कुल भी ये हीट नहीं करेगा, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। और आप बहुत जेंटली इसे अपने स्किन पे लगाओगे। और एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि आपकी जो टॉपिकल स्किन होती है, आपके अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की, उससे डेड स्किन को ये रिमूव करने का काम करता है। तो आप की स्किन अगर एक्ने वाली है तो आप इस एक्सफॉइल जेल को यूज़ करके देखें, बहुत अमेजिंग लगा मुझे इसका ये
जेल, और इसे लगाने के बाद मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पर्ल ग्लो जेल। तो क्योंकि पर्ल फेशियल किट है तो पर्ल ग्लो जेल है इसमें, और इसे आपने अपने स्किन पे इसकी एक थिक लेयर जो है लगानी है, और उसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। सिंगल टाइम यूज़ के हिसाब से इनकी जो क्वांटिटी है काफ़ी जेनरस अमाउंट में थी, काफ़ी सफिशियंट था इनका अमाउंट। तो आप अच्छी सी थिक सी लेयर अपने फेस पे, अपने नेक पे लगा करके इसकी छोड़ सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इनका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो जेल है नेक्स्ट वाला, उसे आपने इसके ऊपर से ही लगा के मसाज करना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो पर्ल ग्लो जेल जो है ना वो मैं दिखा रही हूँ, इसमें छोटे छोटे से पर्ल के जो है पर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे, बट ये बहुत जेंटल एंड माइल्ड है। आप इसे जब मसाज करोगे तो ये डिसॉल्व हो जा रहे थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ नहीं भी हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। तो गाइज इसे आप चाहो तो बिना रिमूव किए, बिना वाइप किए नेक्स्ट वाला जो है जेल लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो हूँ ना इसे पहले थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके हल्का सा मसाज कर दे रही हूँ और इसे क्लींस कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप के तरफ भी जा सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट में आपको डिफरेंस इससे नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो। एंड गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। और डिफरेंस आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। इसका रिज़ल्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा होने वाला है। तो गाइस अगर आप भी किसी फंक्शन के लिए इस फेशियल किट को यूज़ करना चाहते हो तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत कम फेशियल किट होते हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और सबसे अच्छी बात एरोमा मैजिक के प्रोडक्ट्स की होती है कि ये बहुत नेचुरल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है। आप जो भी इसके जेल सबको, जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ, जेल है या स्क्रब है जो भी, वो इतने ज़्यादा ठंडक सा, वो कूलिंग सेंसेशन फील करवाते हैं ना स्किन पे, कि आपकी स्किन बहुत रिलैक्स फील करेगी। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑक्सीजनेटेड जेल है, तो इसे लगा करके भी हमने जो है मसाज करना है। और आप जो भी फेशियल कर रहे हो घर पे, अगर आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं आता है तो आपने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में स्टेप्स करना है, या फिर स्किन के अपवर्ड्स की तरफ जो है आपको फिंगर चलाना है, ताकि आपकी स्किन लूज़ होने के बजाय स्किन टाइट होगी और स्किन में अच्छा सा ग्लो आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ले रही हूँ, रोज़ वाटर को मिक्स करके इसे अच्छे से मसाज करती चली जाऊँगी। एंड गाइस आप कोई भी फेशियल कर रहे हो ना, तो फेशियल करने के नेक्स्ट डे तक, मतलब कि 24 आवर्स आफ्टर फेशियल, आपने कोई भी फेस वॉश अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है, तभी वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। और कोशिश करें कि आप फंक्शन के 1-2 दिन पहले ही फेशियल कर ले, ताकि आपको 2 दिन बाद उसका अच्छा सा ग्लो नज़र आए। तो ये इस तरह से आपने इसे मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, और थोड़ी देर बाद ये जो है स्किन पे पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे किसी भी गीले टॉवल से जो है वाइप ऑफ कर लेना है, या फिर आप चाहो तो प्लेन वाटर से भी अपने फेस को पोंछ सकते हो। तो जेल बेस्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी से धोने की ज़रूरत खुद ही फील नहीं होगी। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ फेस पैक। तो जनरली क्या होता है, ऑयली स्किन के लिए मड मास्क होता है, क्ले मास्क होता है, जो कि स्किन के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। तो ये भी देखने में मड मास्क के तरह ही लग रहा था, बट जब मैं इसे स्प्रेड कर रही थी ना, तो इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा क्रीमी था और इतना ज़्यादा सॉफ्ट सा था कि आई कांट एक्सप्लेन, बहुत जेंटल है। और मुझे लगता है कि हमें अपने स्किन को, स्पेशली फेशियल स्किन को लेकर के जो है ना जेंटल ही होना चाहिए, वैसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए जो लेस केमिकल वाले हों और ज़्यादा जेंटल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो इसे आपने लगा करके 10-15 मिनट्स छोड़ देना है, उसके बाद आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हो किसी भी गीले कपड़े से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रोज़ वाटर ले रही हूँ और उससे लगा करके
हल्का हल्का सा मसाज कर रही हूँ। इस तरह से क्या होता है, बड़ी आसानी से क्लींज हो जाता है। और इसका जो मास्क है, ये नॉर्मल जो क्ले मास्क जो होती है ना, पपड़ी टाइप की सूख जाती है, उस तरह से नहीं हुई, बहुत अच्छे से ये ड्राई होकर के अपना काम कर गई। और यहाँ पे मैं मसाज करके इसे इस तरह से रिमूव करूँगी तो क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और बहुत ईजिली ये रिमूव भी हो जाता है, बहुत अच्छे से एक मसाज भी हल्का सा हो जाता है। तो अब मैं इसे वाइप ऑफ कर दूँगी, क्योंकि लास्ट स्टेप है फेस मास्क है, तो इसके बाद आप फेस को नॉर्मल प्लेन वाटर से क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद हमने बढ़ना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि 7 स्टेप है, एंड वो है सनस्क्रीन। अगर आप दिन में फेशियल कर रहे हो तो आपने मस्ट सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन अगर आप रात में कर रहे हो तो भी अगर आपको किचन का काम करना है तो आप ज़रूर इसे लगा लें, क्योंकि किचन में काम करते वक्त जो चूल्हे के पास हम जब जाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन टैन होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फेशियल करने के बाद कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लगाओ। और इन्होंने जेल बेस्ड सनस्क्रीन दिया है, इनका सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल जो है, आपने पूरे फेस पे और नेक पे इसे अप्लाई कर देना है अच्छे से, और हल्का सा मसाज करना है, उसके बाद ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी इससे हो जाएगी, और आप देख सकते हो रिज़ल्ट कितना अच्छा मेरे हाथ पे जो है नज़र आ रहा है। फेस पे करोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइज़, अगर मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो ये स्किन को सॉफ्ट किया है, डीपली क्लींस किया है, स्किन को ब्राइट किया है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है, स्किन ग्लोइंग बना रहा है। 230 रुपीज़, मतलब कि 200 रुपये में आपको सैलून लाइक फेशियल घर पे मिल रहा है, तो ये बहुत चीप एंड बेस्ट मुझे लगा। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे लगे। द ओनली थिंग विच आई रियली हेट अबाउट इट, के वो जो सीरम का पैकेजिंग था, अदरवाइज़ मुझे सब कुछ इसका अच्छा लगा है। आप इसे चाहो तो ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैं अपने पर्सनल परचेज और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बनाई हूँ, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज, आपको मेरे चैनल पे और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस प्रोडक्ट का, आप उसे ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे अपने जो रिकमेंडेशन है वो भी ज़रूर मुझसे शेयर करें। थैंक यू।